नमस्ते दोस्तों, कई व्यूअर्स ने हमसे चिकनगुनिया आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो चिकनगुनिया आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हम इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पर आइए बात करते हैं उसके पहले कि चिकनगुनिया आर्थराइटिस है क्या। चिकनगुनिया एक वायरल फीवर होता है और इस वायरल फीवर के बाद जोड़ों में दर्द एक बहुत ही आम सिम्टम है जो मरीज को बहुत ही परेशान कर देता है। चिकनगुनिया फीवर का उदय अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में हुआ था। ये एक तरह का अल्फा वायरस है जो टोगा वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और ये एक मच्छर जन्य रोग है। इसका मतलब यह है कि ये रोग मच्छर के काटने से होता है। इस रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो मच्छर है वो एडीज इजिप्टी है और मोटे तौर पे ये दिन में और निचले सतह पे रहता है, तो नीचे भी काट सकता है और दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो चिकनगुनिया आर्थराइटिस या चिकनगुनिया फीवर जो होता है ये आमतौर पे मच्छर के काटने से फैलता है और जिन एरियाज़ में एडीज मच्छर ज़्यादा पाया जाता है उन एरियाज़ में ये फीवर ज़्यादा देखा जाता है। आजकल ये फीवर विश्व में कई जगह पे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ इंडियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इसके ट्रेसेस मिलते हैं। भारत में आजकल ये फीवर काफ़ी कॉमनली, काफ़ी आम तौर पे पाया जाता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इस बीमारी को दो फेज़ में डिवाइड किया जा सकता है। एक एक्यूट फेज़, इसका मतलब जब फीवर आता है और बुखार आता है और उस समय जो तकलीफ होती है वो, और क्रॉनिक फेज़, इसका मतलब होता है कि जब फीवर निकल जाता है और उसके बाद जो जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी और तकलीफ हो जाती है वो। तो पहले हम बात करते हैं बुखार और बुखार के आसपास वाले फेज़ के बारे में। ये फेज़ आमतौर पे 3 महीने से कम की ड्यूरेशन का होता है, इसको एक्यूट फेज़ बोलते हैं। पहले 5 से 10 दिन सबसे ख़राब होते हैं और ये वायरीमिया का फेज़ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके शरीर में वायरस की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और इसमें तेज बुखार आ सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है और तेज बुखार आ सकता है। उसके साथ साथ पूरे ही शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द हो सकता है, पूरे शरीर पे लाली आ सकती है, आपकी आंखें भी लाल हो सकती हैं और काफ़ी कमज़ोरी और वीकनेस शरीर में आ जाती है। ये फीवर कुछ समय के लिए रहता है, आम तौर पर जैसे मैंने बताया ये 5 से 10 दिन तक रह सकता है और फिर धीरे धीरे उतर जाता है। 6 दिन से लेके 21 दिन का समय पोस्ट वायरेमिक फेज़ या तो इन्फ्लेमेटरी फेज़ के नाम से जाना जाता है। ये वो समय होता है जब बुखार तो निकल जाता है परंतु आपके शरीर में कमज़ोरी, वीकनेस और जोड़ों में दर्द रह जाता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो कई मरीज़ हमसे पूछते हैं कि हमें क्या जांच करानी चाहिए। तो पहले तो आपको खून की सभी जांचें करानी चाहिए, खून का टेस्ट कराना चाहिए और जो दूसरे फीवर्स हैं उनको भी रूल आउट करने के लिए टेस्ट कराना चाहिए, जैसे डेंगू है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, जैसे फ्लू है और आजकल कोरोना है, तो उन सब जो डिजीज़ेज़ हैं उनको रूल आउट करने के लिए आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप खून की टेस्ट कराएंगे, लहू का टेस्ट कराएंगे, तो आपके शरीर में RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों की मात्रा कम पाई जाएगी, शरीर में क्रिएटिनिन और लीवर एंजाइम्स की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। एक्यूट फेज़ में जब वायरीमिया होता है, वायरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो RT-PCR, चिकनगुनिया RT-PCR नाम का टेस्ट किया जा सकता है और ये सिर्फ शुरू के 1 हफ्ते या 10 दिन तक ही पॉजिटिव आता है। तो अगर हम RT-PCR का टेस्ट 10 दिन के बाद करेंगे तो ऐसा संभव है कि वो टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव आ जाए। तो अगर आप पेशेंट बहुत ही अर्ली फेज़ में हैं तभी उसका RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, अन्यथा RT-PCR टेस्ट कराने का फ़ायदा नहीं है। RT-PCR टेस्ट के अलावा 2 एंटीबॉडी टेस्ट हैं जो चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कराए जा सकते हैं। पहला IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी
एक्यूट फेज मतलब जल्दी बनती है, ये 5 से 10 दिन में आना शुरू हो जाती है, 3 हफ्ते पे ये मैक्सिमम रहती है और करीबन 2 से 3 महीने तक IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव रह सकती है। IgG एंटीबॉडी जो होती है वो थोड़ी लेट अपीयर होती है, वो करीबन 1 हफ्ते के बाद आना शुरू होती है और ये एंटीबॉडी सालों तक रह सकती है। और ये एंटीबॉडी आपके शरीर में रूमेटॉइड फीवर या सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस जैसे सिम्टम भविष्य में कर सकती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ होती है, हार्ट की तकलीफ होती है, किडनी की तकलीफ होती है, डायबिटीज़ की तकलीफ होती है या उनको फेफड़ों में कोई तकलीफ है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। तो अगर आपको और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो चिकनगुनिया आर्थराइटिस का रिस्क आपके केस में ज़्यादा हो सकता है। अब मैं आपको चिकनगुनिया आर्थराइटिस के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। चिकनगुनिया आर्थराइटिस छोटे जोड़ और बड़े जोड़ दोनों में हो सकता है। चिकनगुनिया आर्थराइटिस एंकल जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, कूल्हों में, कलाई में, कोहनी में, आपके हाथों में भी दर्द और सूजन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तकरीबन 20% पेशेंट में न्यूरोपैथिक सिम्टम भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको शरीर में सुनपन या झुनझुनी भी महसूस हो सकती है। ये करीबन 20% पेशेंट्स में होता है। अब बात करते हैं क्रॉनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 महीने के बाद माना जाता है। आपको एक्यूट फीवर हुआ, एक्यूट सिम्टम हुए, फीवर उतर गया और उसके 3 महीने बाद भी अगर आपको जोड़ों में दर्द बना हुआ है, जोड़ों में सूजन बनी हुई है, तो ये चिकनगुनिया आर्थराइटिस या चिकनगुनिया साइनोवाइटिस का लक्षण हो सकता है। चिकनगुनिया आर्थराइटिस में सभी मरीज एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज में नहीं जाते और ये प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि किस मरीज को आगे जाके लक्षण रहने वाले हैं और किसको रहने वाले नहीं हैं। तकरीबन 4% से लेके 70 से 75% पेशेंट्स में जो लक्षण हैं वो लंबे समय तक रह सकते हैं। लंबे समय तक अगर लक्षण रह रहे हैं तो फिर इसका उपचार प्रॉपर तरीके से करना आवश्यक है और उस कंडीशन में गठिया वाय के रिलेटेड जो दवाइयां होती हैं वो देकर मरीज को अच्छा किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आता हूं उस प्रश्न की ओर जो हमको हमारे व्यूअर्स ने सबसे ज्यादा पूछा है और वो है चिकनगुनिया का इलाज या चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एक्यूट फेज के बारे में, जब आपको बुखार आ रहा है, शरीर में कमजोरी है, शरीर में दर्द है और जोड़ों में दर्द और सूजन आ गई है। इस फेज में आपको बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल टैबलेट लेनी चाहिए। शरीर में पानी की मात्रा अच्छी बनी रहे इसके लिए पीने का पानी सही मात्रा में लेना चाहिए। लिक्विड्स, जूस, ठंडा आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। दर्द कम करने के लिए और सूजन कम करने के लिए आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट जैसे कि डाइक्लोफिनेक, वोवेरॉन, आइबुप्रोफेन, इस तरह की कई सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो कुछ ओपियोइड टैबलेट्स आती हैं जैसे कि ट्रेमाडोल, पैथिडीन, इसका सेवन भी आप डॉक्टर्स के निगरानी में कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स, अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है तो कुछ समय के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे लंबे समय के लिए इनका प्रयोग ना करें और जब भी स्टीरॉइड टैबलेट का प्रयोग करें तो सेल्फ मेडिटेशन ना करें, आपके चिकित्सक से परामर्श करके ही स्टीरॉइड्स की टैबलेट लें। अगर आपको न्यूरोपैथिक सिम्टम है तो गावापेंटिन नाम की टैबलेट और ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट टैबलेट्स भी
दी जा सकती हैं, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये खास ध्यान रहे कि इस तरह की टैबलेट्स लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर और ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक, मतलब लंबे समय तक अगर आपको चिकनगुनिया फीवर के बाद जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किन मरीजों में क्रॉनिक डिजीज़, मतलब लंबे समय तक जोड़ों में दर्द रहने का रिस्क रहता है। तीन तरह के मरीजों में ये रिस्क ज़्यादा होता है। पहला कि अगर आपकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक है। दूसरा, अगर आपके शरीर में शुरू में वायरल लोड 10^9 से भी ज़्यादा रहा है और आपकी बॉडी में एक सीवियर इम्यून रेस्पॉन्स आया था, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी और इस तरह के सिम्टम्स फीवर के बाद आए थे, तो क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक तकलीफ़ लेने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपको लंबे समय तक ये तकलीफ़ रहती है तो फिर हम लंबे समय के लिए दवाई देने पड़ती है। इन दवाइयों में दो तरह की दवाइयां हम आम तौर पे देते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, पायरोक्सिकेम, नेप्रोक्सेन, इटोरिकॉक्सिब, इस तरह के कई सारे सॉल्ट अवेलेबल हैं जो कि न सिर्फ आपके दर्द को कंट्रोल करती हैं अपितु आपकी सूजन को भी कम कर देती हैं। दूसरा, ओपियोइड मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेमाडोल, पैथिडीन, फेंटानिल कुछ पेशेंट्स में हम फिजिशियंस मतलब चिकित्सक के सुपरविजन में ले सकते हैं। अगर ये दर्द आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, जोड़ों में दर्द और सूजन अधिक है, और अगर आपके शरीर में रूमेटॉइड फैक्टर NTCCP या फिर HLA-B27 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि चिकनगुनिया आर्थराइटिस आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के साथ मिलके एक गठिया वाय की तरह का लक्षण आपके शरीर में दे रहा है, और इस परिस्थिति में गठिया वाय की दवाइयाँ काफ़ी कामगर सिद्ध होती हैं। ऐसी परिस्थिति में हम गठिया वाय की दवाइयाँ जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, सेलेजोपायरिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कुछ केसेस में दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स का सेवन भी चिकित्सक के सुपरविजन में कम ड्यूरेशन के लिए किया जा सकता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमको आजकल हमारी OPD प्रैक्टिस में मिलता है। चिकनगुनिया आर्थराइटिस अगर आपको होता है तो आपको स्पेसिफिकली ये देखना है कि उसके पहले आपको बुखार तो नहीं आया है, शरीर में कमज़ोरी और वीकनेस तो ज़्यादा नहीं रही है, और शरीर में जोड़ों में दर्द और सूजन तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको डेफिनेटली चिकनगुनिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट करा के उसके अनुरूप दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर आपको चिकनगुनिया आर्थराइटिस के रिलेटेड कोई और भी प्रश्न हैं तो आप हमको मैसेज लिख के ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का इच्छुक हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।